आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है टेक सिविल साइट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, जो सीरीज मैंने 10x12 की चला रखी है उसमें आज जो टॉपिक है अपना हाउ टू कैलकुलेट वन रूम 10x12 कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फ्लोरिंग टाइल, मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्लोरिंग जो टाइल है उनकी कॉस्ट क्या आएगी विद लेबर मेटेरियल के साथ। ठीक है दोस्तों, तो बन रहेगा दोस्तों वीडियो में लास्ट तक, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सामने जो आपको नजर आ रहा है एक 10x12 का कमरा है, इसकी लेंथ होगी 12 फुट और चौड़ाई होगी इसकी 10 फुट। ठीक है दोस्तों, 12 फुट इधर से 10 फुट इधर से, तो 9 इंच की दोनों दीवार है, ये 9 इंच इधर की, ये भी 9 इंच इधर से, ठीक है, ऐसे 9 इंच इधर से, ये भी 9 इंच का इधर से। देखिए इसका अंदर अंदर का साइज क्या होगा, ऐसे 12 फुट है तो 9 इंच इधर माइनस हो गया, 9 इंच इधर हो गया, 1.5 फुट गया 12 फुट में से, 10.5 फुट। ठीक है, ये अपना 10 फुट है, इसमें से 1.5 फुट गया 8.5 फुट, दोनों को कैलकुलेशन करने के बाद हमारा कितना निकलता है 89.25 स्क्वायर फुट। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो है फ्लोर एरिया जिसमें आपको टाइल लगानी है वो कितना निकला है 89.25। देखिए अब यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, फ्लोर एरिया 10 फुट 6 इंच बाई 8 फुट 6 इंच 89.25, ये अपने इतने स्क्वायर फुट आया। ठीक है दोस्तों, फ्लोर टाइल को हम बोलते क्या हैं, फ्लोर टाइल को हम विट्रीफाइड टाइल बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, देखिए जो हमारे पास फ्लोर एरिया जो निकल के आया 89.25 स्क्वायर फुट, उसके बाद इसका जो पर स्क्वायर फुट का जो रेट होता है जिससे मटेरियल आता है, देखिए 40 से स्टार्ट हो जाता है, 40 से 45, 50, 55, 60, 70, जैसी भी आप क्वालिटी लगाओगे ऐसे महंगा मटेरियल आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने नॉर्मल सा लिया है, एक कॉमन मैन के लिए नॉर्मल रेट लिया है 40 से 50, मैंने 50 का रेट लगाया है। तो आपकी जो जितने टाइल हैं इस एरिया में 90.25 में कितने टाइल लगेंगे आपकी 44, 50 के रेट से 4462.50 रुपये की, समझे 4463 रुपये आप समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप देखिए डस्ट कॉस्ट इन CFT, मतलब क्योंकि फुट में हम डस्ट जब इसमें जो टाइल लगाएंगे तो 1.5 इंच के हिसाब से मैंने इसके डस्ट कॉस्ट दी है, तो 1.5 इंच जब मतलब टाइल के साथ लगता है तो टाइल और मसाले का जो मार्जिन होता है टोटल वो होता है 2 इंच का। ठीक है, तो मैंने 1.5 इंच ले लिया, मतलब 35 mm के आसपास मसाला ले लिया, 7-8 mm की जो होती है अपनी टाइल, तो 40-42 mm ले लिया, 2 इंच में आता है ये सब। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 11 CFT जो है अपना लगेगा डस्ट, डस्ट का रेट जो होता है 50 रुपये फुट के आसपास। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं जैसे अपने जो नज़दीकी शहर होते हैं जहाँ पर डस्ट मिलता है ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ, वहाँ पे जो 100 फुट डस्ट होता है वो 5-6 हज़ार रुपये में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो डस्ट की कॉस्ट होगी आपकी वो होगी 550 रुपये। अब देखिए आप लेबर कॉस्ट, आपके टाइल्स होगी डस्ट होगी, अब लेबर कॉस्ट देखिए आप, हमारे पास 89.25 स्क्वायर फुट टाइल्स हैं, इन्हें लगाने का रेट क्या होगा। देखिए वैसे तो 11-12 रुपये में लग जाती हैं यदि बड़ा काम हो तो, मैंने इसका 14 रुपये रेट दिया है। ठीक है, 14 भी वैसे कम है, कोई ऐसे लगाता नहीं है, क्योंकि छोटे जो काम होते हैं वो छोटे काम मुग्गम में होते हैं, मतलब जैसे रूम देख लिया, मतलब छोटा काम देख लिया उसमें कह देते हैं कि सर हम तो इसके 4000 लेंगे 5000 लेंगे। ठीक है, तो इन्हें फुट में काम नहीं होता, फिर भी मैंने यहाँ फुट लिख दिया है बताने समझाने के लिए आपको, 14 रुपये फुट के हिसाब से 1250 रुपये का आपका यहाँ पे लेबर चार्ज। ठीक है दोस्तों, अब इसकी जो टोटल कॉस्ट आई है आपकी कितनी आई है, इन तीनों को आप जोड़ लोगे तो 6262 रुपये। अब इसका देखिए अगर हम राउंड फिगर में इधर उधर और एडजस्ट करते हैं, यदि मान के चलिए टाइल वाला कोई और मांग लेता है 2000 मांग लेता है तो 800 इसमें और प्लस कर दीजिए, तो यहाँ आपका राउंड फिगर समझ लीजिए आप 7000 रुपये। ठीक है दोस्तों, 7000 रुपये में आपकी 10.5x8 के कमरा में आराम से टाइल लगवा सकते हैं, और इसमें भी आपकी अच्छी क्वालिटी की टाइल लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बताना दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। आप अगर स्क्रीन शूट लेना चाहते हैं तो एक और स्क्रीन शूट ले लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।